अस्सलामुअलैकुम ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, आप कहते हैं अनार्की फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। मुलाकात में अफसरान को बताया था फैसला हो चुका है, आप पीछे नहीं हट सकते। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब इस्तदा है, क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल इस्तेमाल है। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती, यक तरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, सियासी इत्तेफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे, सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है, अगर सियासी जमातें कुछ करना चाहती हैं तो हम उनके साथ हैं। जस्टिस काजी फैजी सा ने कहा पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था, 1971 में मुल्क अचानक नहीं टूटा, इसके बीज बोए गए, मुल्क तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया, जो काम हम आज करने बैठे हैं उसके असरात सदियों बाद भी निकलेंगे। तारीख हमें 7 बार सबक दे चुकी है, अगर तारीख से नहीं सीखेंगे तो तारीख खुद को दोहराएगी। तारीख पुकार रही है कि सीखो, गलत फैसला गलत रहेगा चाहे अक्सरियत का हो, नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। हम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तिजारती काफलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया, मलबे से 3 लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया, इमदादी टीमों का 4 मजीद लाशों की निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन, पाक फौज एफसी और सिविल इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वजीर आला का तोरखम बॉर्डर का दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत, कहा नीलम जहलम मंसूबे की बहाली पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में यूरिया की पैदावार और तरसील का भी जायजा, कहा यूरिया स्मगलिंग से किसी को किसानों के हक पर डाका डालने नहीं दूंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मई में इलेक्शन हुए तो सिक्योरिटी नहीं देंगे, इलेक्शन करवाने से कोई इनकार नहीं कर रहा, अक्टूबर में इकट्ठे इंतखाबात करवाने का ऑप्शन मौजूद है, इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी तादाद में फौज को मोबिलाइज करना होगा, ट्रेनिंग देना होगी, पार्लियामेंट और अदलिया को एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहिए। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सैलाबी सूरत हाल, स्वात का ओल्ड बहरेन बाजार बारिशों के बायस नाले का मंजर पेश करने लगा, दरिया स्वात और नाला दराल कोड में पानी की सतह बुलंद, पानी आबादी में दाखिल हो गया, बहरेन के मकाम पर कालाम सड़क बदस्तूर बंद, जरिए इंतजामिया की सयाहों को सिर्फ बहरेन तक आने की इजाजत, दीरबाला में पहाड़ी तोदा गिरने से मकान की छत मुतासर, एक शख्स जहां बहा 3 जख्मी, दरियाए पंचकूड़ा में पानी के बहाव में इजाफा, कुबराट सड़क बंद। फवाद चौधरी ने कहा वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट से नया मुतालबा आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है, वजारत दिफा कह रही है कि फेडरेशन खत्म कर दें, 1 यूनिट बहाल कर दें, वजारत दाखिला कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, दुनिया में किसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं करवा सकते, अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो दफातर को ताले लगाएं और घर चले जाएं, पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया, जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सेनेट में नैब कवानीन तरमीमी बिल मंजूर, अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह पर कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ओन चौधरी की बतौर गवाह तलबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, शाहराए कराकरम बंद, कई मुसाफिर फंस गए, दरियाए नीलम और गिरदोनवा की नदी नालों में तुगयानी, वादी नीलम के पहाड़ों पर अप्रैल में भी बर्फबारी, चिलास और दियामर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, दारेल और तांगेर में भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। ईद उल फितर, मीठी ईद और मीठी ईद पर लैया की फेनिया ईद का मजा दुबाला करती है, देसकी में तैयार की जाने वाली फेनिया लज्जत जायके की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, गजाइत के एतबार से हामिल है और ईद की खुशियों को दुबाला करती है। जी हम फेनिया खुद तैयार करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत आती है, तो हम क्वालिटी पे बिल्कुल किसी किस्म का कम्प्रोमाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी फेनिया पूरे मुल्क में मशहूर है और पूरे मुल्क में ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा हमारी फेनियाँ जा रही हैं। भाई फेनियाँ जो है ये मैदे से तैयार की जाती हैं, सबसे पहले इनका मैदा गुनना पड़ता है, मैदे में नमक और पानी डाला जाता है, उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, पेड़ों में जो है उन्हें घी लगाना पड़ता है, घी जो वो जमा हुआ हो
उसके बाद इसकी खिंचाई होती है, पेड़ों की खिंचाई करने के बाद इन्हें देसी घी में फ्राई किया जाता है। चौबारा की मशहूर फेनियाँ खरीदने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये हमारे बच्चों की और हमारे रिश्तेदार दोस्तों की भी डिमांड होती है कि हमें ईद के मौके पे ये चौबारा की जो मशहूर फेनियाँ हैं ये हमें खिलाई जाएं। मैं इसी सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हूँ बेकरी पे और यहाँ से ये खरीद के अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भेजूंगा ताकि हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमरा ये ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। साद रफीक मुज़ाकरात ना करने के अपनी जमात के मौकफ के मुखालिफ कहा, बातचीत के हक में हूँ, पार्टी में अपनी राय भी दे चुका हूँ। गालम गलोच साजिशों और बोहतान तराशी से माहौल इमरान खान कंपनी ने खराब किया। अदम एतमाद के माहौल में बातचीत कैसे हो जाए तो नतीजा खेज कैसे हो। इमरान खान ने सियासत को नफरत अंगेज बनाने के लिए बहुत मेहनत की, अब अपने बोए कांटे चुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत, इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। एडवोकेट जनरल ने कहा, सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है, तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देनी है। पिशावर हाईकोर्ट में केस की मजीद समाअत 4 मई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की एक केस में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। पुलिस चेक पोस्ट हमला केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। अली अमीन को भक्कर की अदालत में पेश किया गया। जमान पार्क हमला केस में अदालत ने लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। काबुल में पाकिस्तानी नाजिम उल उमूर की वापसी, जिम्मेदारियां संभाल ली। कायम-ए-मुकाम अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता साल 2 दिसंबर को काबुल में उबैदुर रहमान नजामानी कातलाना हमले में महफूज रहे थे। एहतजाज और जलसे जुलूस पर जायदुल मयाद शैल इस्तेमाल नहीं किए गए, वफाकी हुकूमत का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये बात दुरुस्त साबित न हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने आंसू गैस का इस्तेमाल रुकवाने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में कौमी एयरलाइन के अमले की होटल इंतजामिया से मुबैना बदतमीजी, होटल मैनेजर की वीडियो सबूत के साथ शिकायत। पीआईए इंतजामिया का दोनों फजाई मेजबानों को शो कॉज नोटिस जारी, खातून समेत दोनों फजाई मेजबानों को 60 दिन के लिए ऑफलोड कर दिया गया। हुकूमत ने 3 अरब डॉलर की मजीद फाइनेंसिंग का प्लान IMF को दे दिया। जराय के मुताबिक राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB और कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1-909-5762-982. سرمایه کارمند بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شي. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شي او غوره نتیجه حاصلولی شي. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي، ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایو متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي.
دزدکړی لپاره هیڅ حد نشته تاسو د اے ایم ای ڈی ایف ایس سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سہولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اغستای شي او زده کړه کولای شي زمو سرٹیفیکیٹ پروگرامونه ارزان هم دي کوم چې تاسو مهارتونه مضبوط کولو کې علم زیاتولو کې مرسته کوي د ټولنو غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولای شي زمون پروگرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروگرامنګ پروجیکټ مینجمنٹ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي زمون مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زمون ویب سایټ aemedfs.com یا کال TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.